हमने सारा टाइम दे दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बड़ी सियासी जमात है उसने आज लॉन्ग मार्च शुरू करना था, तो वो लॉन्ग मार्च जो है ट्रेन मार्च जिसे कहते हैं, लॉन्ग मार्च से वो लॉन्ग मार्च में तब्दील हो गया। वो कहते हैं 4 अप्रैल को हम फाइनल जो है हतमी ऐलान उसके बाद करेंगे कि आइंदा की स्ट्रेटेजी क्या होगी। बिलावल भुट्टो साहब माजी में क्या कहते रहे और आज क्या कहा, ज़रा सुन लें। जम्हूरियत को एहतसाब से खतरा नहीं, जम्हूरियत को एहतसाब से खतरा नहीं, अगर खतरा है तो तख्ते रायवंड को खतरा है। आज क्या कह रहे थे? अच्छा, बिलावल साहब का अंदाज़े बयां अच्छा है। पुराने ज़माने में ना अंदरून शहर में झगड़ा हुआ करता था, तो अंदरून शहर में ना घर करीब करीब होते थे, गली ज़्यादा नहीं होती थी। एक कहती थी तू टूट मरे, वे तेरे वाल टूटन, तेरा मियाँ मरे, ये तकरीर थी। व्हाट इज दिस साबर साहब, ये नेशनल लीडर है, ये अंदाज़े गुफ्तगू देखा है? नहीं, आप क्या तू लंगड़ा हो, तेरा मियाँ मरे। दस यार, वो भाई बे भट्टो के नवासे हो, किसको डिफेंड कर रहे हो? लेकिन चलो, इनको छोड़े, इन पे आप करें। आप एहतसाब क्रॉस दी बोर्ड, साबर शाकर साहब फरमा रहे थे। बाबर अवान गालबन एक नाम है, शायद वकील है, इनका भी नेम में कोई है, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, मैं पता नहीं इंडिया का पाकिस्तान ना हो। परवेज खटक, ये भी शायद साफ चली, शफाफ चली, बगैर इंसाफ के चली। जुल्फा दी लाली, नहीं सॉरी, जुल्फी बुहारी, वजीरे आला केपीके, आतफ साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू आजम खान, पीएम, डीजीआईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो लोगों की रिपोर्टें देते हैं, इनके सब भी नैब में केस है। नैब इनको क्यों नहीं बुला रही? क्या नैब के पास इतना पेट्रोल नहीं है इन तक जा सके, या इनके पास मोबाइल कॉल नहीं है, असेस नहीं है, समन भेज सके? ये आप एहतसाब करें, खाली मियां से बान बेचारों ने खरबोश खरबों रुपए लूटे हैं इतनी मेहनत करके 20 सालों में, तो आपके कहने में 2 दिन में दे दें? हमारे पीटीआई के भाइयों को आप पकड़े हैं कोई? नहीं, ये नहीं होगा, अब ऐसे नहीं चलेगा। बिलावल ने कह दिया। मैं ये आपने जो लिस्ट गिनवाई है ना, मैं चेयरमैन नैब से 2 दिन से यही कोशिश कर रहा हूँ रब्ता करके उनसे पूछने की। उनसे सिर्फ ये पूछे, डीजीआईबी जो लोगों की करप्शन की देता है, खुद करप्शन का केस है उनको, को भाई खुदा का खौफ करे यार, ये पाकिस्तान है। मैंने उनके 2 करीबी मोहतमद जो हैं चेयरमैन नैब से, उनको मैसेज भी छोड़ा है, लेकिन वो अभी तक फोन पे अवेलेबल नहीं है, तो जैसे ही फोन पे अवेलेबल होंगे तो फिर नहीं बात। क्या चेयरमैन नैब साहब पसंद फरमाएंगे? प्रोग्राम ये पाकिस्तान की डिस्क्रिप्शन में नहीं आते। प्रोग्राम खत्म हो गया, कल इस पे बात करेंगे। अगर मैं कल मैं तैयारी करके आ जाऊं? बिल्कुल तैयारी करके आए, चेयरमैन नैब से रब्ता हो गया तो कल हम करेंगे।